मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो मेरे चैनल पे नए हैं, मैंने बता दूं मैं सलोनी जीत करे और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 6 बजे से। मैंने जैसे ही ये नज़ारा देखा, मैंने सोचा गाइस को भी ये नज़ारा दिखाएंगे, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अपने चावल बना रही हूँ मैं, यहाँ आटा गूंथ के रख दिया है और मम्मी सब्जी लेने गई हुई है। और ये रहा आरू बच्चा जो कि खा रहा है बिस्किट और देख रहा है मोगली। ये रहा मोगली सीरियल। और आरू टीवी में पूरी तरीके से खो चुकी है, उसे कुछ सुनाई नहीं आ रहा है अभी तो। गाइस आप देख सकते हैं 12 बजने ही वाले और आज मेरा काम 11 बजे ख़त्म हो चुका था, पर आरू को सुलाने का था आज क्योंकि वो जल्दी उठ चुकी थी, तो इसलिए मैं 1 घंटा पूरा लेट हो चुकी हूँ आज। हर दिन 11 बजे तक मेरा पूरा काम ख़त्म हो जा रहा था, पर आज आरू को सुलाने के चक्कर में 1 घंटा लेट हो गई हूँ। कोई बात नहीं, अब बच्चे का साथ है तो ऐसा तो चलते ही रहता है। और अब मैंने साइंस में कल पढ़ा था, साइंस में कल 12 चैप्टर पढ़ लिए थे मैंने, दिखाती हूँ आपको क्या क्या पढ़ा है। कल मैंने क्लास 7th की चैप्टर पढ़े, चैप्टर 1 पादपों में पोषण, और ये कुछ नोट लिखे हैं। और फिर 2nd चैप्टर पढ़ा मैंने, और उसके बाद मैंने सीधे 12 और 13 चैप्टर पढ़ लिए उसमें, क्योंकि ज़्यादा नोट्स नहीं बनाने हुए थे। मतलब 1 के बारे में था और जल के बारे में था, तो उसके बारे में ज़्यादातर पता रहता है, इसलिए मैंने पहले वो चैप्टर पढ़े। और फिर श्याम में मैंने चैप्टर 3 पढ़ा था, उसमें उष्मा पढ़ी, तो उसके भी थोड़े से नोट्स बनाए हैं। और फिर आज मैं पढ़ रही हूँ चैप्टर 4, अम्ल क्षारक और लवण, तो पढ़ते हैं और फिर बताएगी आपको कि क्या क्या पढ़ा मैंने। गाइस अभी पूरा 1 घंटा हो चुका है मुझे पढ़ते पढ़ते, और मेरा एक चैप्टर ये चैप्टर 4 अभी मैंने पढ़ा है, आप देख सकते हैं ये नोट्स बनाई हुई है मैंने। और अभी मतलब ये पहला ही घंटा था ना, वैसे तो सुबह मैंने 6 बजे से उठ के रिवाइज़ किया जो कल मैं पढ़ चुकी हूँ उसे। और मैंने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जो नोट्स बनाए हुए हैं उसे भी पढ़ा। और फिर 7 बजे से मैंने घर का काम किया, तो 11 बजे तक काम ख़त्म हो गया घर का। और फिर 12 बजे तक आरू को सुलाया और फिर पढ़ने लगी, तो 1 घंटे में ये चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ है। और ये रही उसकी नोट्स मेरी, तो कि पहला घंटा था मेरा पढ़ाई का, तो बहुत अच्छे से नोट्स भी बन चुकी है मेरी, क्योंकि पहला घंटा बहुत एक्साइटमेंट वाला रहता है और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ो वैसे वैसे थोड़ी धीरे धीरे आलसी आने लगती है, इसलिए थोड़ा टाइम हो रहा है 1:10। और अब मैं पढ़ रही हूँ चैप्टर 5 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो गाइस देर बज चुके हैं और ये 25 मिनट में ही मेरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, ये चैप्टर थोड़ा छोटा। और ये रहे मेरे नोट्स चैप्टर 5 के। तो गाइस बज गए हैं अब 2, और 1:30 से 2 बजे तक मैंने खाना खाया और आरू को खाना खिलाया। आरू सो के उठ चुकी थी इसलिए उसे भी खाना खिला दिया मैंने, ताकि मुझे बार बार उठना ना पड़े। और अब मैं पढ़ती हूँ आगे के चैप्टर। तो आगे का तो मैं पढ़ रही हूँ अब 6th चैप्टर। इसमें जीवों में श्वसन की क्रिया बताई गई है, तो बस अब यही पढ़ती हूँ। टाइम हो रहा है 2:40, मेरा 6th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ 3:10 हो चुके हैं, हमारे घर में 3 बजे चाय का टाइम हो जाता है, तो अब मैं इंजॉय करती हूँ चाय। पैसा भी बच चुके हैं 4:45, और मैं अब बनाती हूँ खाना। और पहले लगाती हूँ झाड़ू और फिर बनाऊंगी खाना और थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगी, क्योंकि थोड़ा गैप होना भी ज़रूरी है। कंटिन्यू पढ़ूंगी तो मेरा मन नहीं लग रहा है 3 बजे से 4 बजे तक, कुछ यूट्यूब से कुछ बुक से ऐसे पढ़ने की बहुत कोशिश की मैंने, और ऐसे में 1 घंटा मेरा ख़राब हो गया। इससे अच्छा मैं यदि घर का काम करती तो वो ख़त्म होता था और मेरा मूड भी फ्रेश हो जाता था, पर ये 1 घंटा मैं गंवाने के बाद अभी अगले घंटे मैं सोच रही हूँ कि पहले घर का काम ख़त्म कर लेती तो मुझे शाम का काम नहीं रहेगा और फिर मैं कंटिन्यू पढ़ पाऊँगी।
सात आठ बजे तक। तो बस पहले करती हूँ मैं काम और उसके बाद करूँगी पढ़ाई। तो गाइस यहाँ हमारा बन रहा है खाना, सोजी को हम भून रहे हैं ऑयल में और यहाँ पे कुकर में दाल गल रही है। तो आर बच्चे यहाँ पे खा रहा है खाना, दाल खा रही है आर बच्चे हाथों से। रुको बड़े चम्मच से उतना सही से खाते नहीं आ रहा था, तो अब छोटा चम्मच ला के दिया है और मैंने इसके हाथ में अभी नहीं धुलाए ताकि मेरे को पता ही ख़राब तो होगी ही होगी, इसलिए मैं एक साथ ही दोनों काम कर लूँगी ताकि मेरा टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो। यहाँ आरू और दादी की मस्ती चल रही है। हाय बोल दो आरू। इधर देखिए बोलो, उधर ना इधर देखिए बोलो हाय। आरू को अभी तैयार किया था, इसकी कंघी तो जैसे कि तैसे हो रही है। और यहाँ के लिए पानी भी रखा हुआ है। यहाँ आरू पलंग से झूला झूल रही है। झूलो आरू, ये करके दिखा मुझको, ये करके दिखा। ओ बुबली, अरे संभल के गिर जाओगी ऐसे में तो आप। नहीं बार बार ये ऐसे ही करेगी अब। और आज का मौसम कुछ ऐसा हो गया है, एकदम थोड़ा बदली सा है और बारिश भी हो रही है। अभी टाइम हो रहा है 5:30 और मैं पढ़ रही हूँ 7th क्लास के साइंस बुक का 7th चैप्टर, जंतु और पादप में परिवहन। मुझे 7th, 8th, 9th, 10th और 11 चार चैप्टर कंप्लीट करने हैं और टाइम हो गया 5:30। तो अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना। श्याम का भी काम पूरा ख़त्म हो गया घर का, जैसे सफाई करना, झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना और खाना बनाना, ये तीनों काम हो चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं आप बज गए 7। ये चैप्टर को मैं 5:30 बजे से पढ़ रही थी, कुछ टाइम बाद आरू आ गई थी इसलिए मैं यानी थोड़े टाइम नहीं पढ़ पाई, 10 से 15 मिनट। पर ये चैप्टर थोड़ा बड़ा भी और इसमें मुझे नोट्स भी ज़्यादा बनाना पड़ा क्योंकि मेरा सब्जेक्ट बायो नहीं था, मैंने बायो नहीं पढ़ी है, इसलिए मुझे इस चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। मतलब समझ में तो सब कुछ आया पर लिखना भी मुझे आवश्यक लगा, इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें नोट की और जितना ज़्यादा नोट करते उतना ज़्यादा समय लगता है, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। 7:00 बज गए हैं, 8:30 बज चुके और मेरा घर का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, खाना भी हम लोगों ने खा लिया है। 7:00 से 8:30 बजे तक मेरा यही सब चला, आरू को सुलाना, खाना खाना और फिर बर्तन साफ करना, सफाई करना, बस ये सब किचन की। तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।